आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल दीपक जायसवाल पे। तो गाइज आज हो गया है मंडे का दिन और आज हमारा यात्रा स्टार्ट हो गई है। मैं निकलने वाला हूँ घर से। आपने देखा पिछले वीडियो में कि मेरी तैयारी हो चुकी है, पैकिंग हो चुकी है और कौन कौन मेरे साथ चलने वाला है, कौन नहीं चलने वाला, तो आप लोग बने रहकर वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो चलते हैं हम। और सुबह का टाइम हो चुका है, इसमें 7 बज चुके हैं। मैं नहा धो के एकदम तैयार हो गया हूँ और कुछ हमारे लिए खाना पीना बन रहा है। भाभी जी क्या बना रही हैं हम लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाइस, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आप लोग, और प्यार देते रहिएगा। और जो नए जुड़े हुए हैं और जो हमारा वीडियो देखते हैं और जो हमारे वीडियो को लाइक और प्यार देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन बटन होता है उसको जरूर दबाएंगे तो हमारा वीडियो जो अपलोड करते रहेंगे नए नए तो आप तक पहुँचता रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ, तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को अगर पसंद आए, इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर दीजिएगा। और चलते हैं भाभी की तरफ, बढ़ते हैं। भाभी जी क्या बना रही खाने में? अब देखिए प्याज व्याज काट रही है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए क्या खाना तैयार कर रही है बनाने के लिए, जो भी खाना पीना बनाएंगी हम लेके निकलेंगे। हमारी सोना पर इस समय जाग गई है। अरे सोना जाग गई क्या? आप देख सकते हैं कितनी मुस्कुरा रही है। जाग गई क्या? आ जा। आज का करवट लेना सीख गई है, पैर के बगल होना सीख गई है बाबू। क्या बनाओगी खाने में? बनाने जा रहे हैं भुजिया पनीर की और पूरी छान लेंगे, ठीक है ना? हाँ चलो ठीक है, वही बना देना। तो क्या जुड़े रहेगा हमारे ब्लॉग में, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। और आज का ट्रिप भी है। तो गाइस हमारे घर में आज सुबह का पाठ हो रहा है गणपति बप्पा भगवान की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैंने भाभी के पास पूछा क्या बना रही खाना पीना, तो बनाई तो मैं सुना कि पनीर की पूजा करने चल रहा है। देख सकते हैं पनीर की पूजा कर रहे हैं और चाचा जी हमारे पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देखिए भगवान के प्रति आस्था रखना। और मैं निकल चुका हूँ अपने टूर पर, तो जहाँ जाने वाला हूँ आप लोग को दिखाऊँगा। पहले आप देख लीजिए गणपति बप्पा का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये दर्शन हमारा लास्ट है। बाकी मैं जब आऊँगा फिर गणपति बप्पा हमारे घर से चले जाएँगे। जुड़े रहेगा हमारे ब्लॉग में। क्या बना रही हो? पूरी छान रही है। देखिए आप लोग ये पूरी हमारे लिए बन रहा है। सब्जी बना चुकी हो? सब्जी बन चुका है, तो आप सब्जी भी दिखा देते हैं आप लोग। और ये है पनीर की भुजिया, देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा बना हुआ है। खा के भी जाओगे? हाँ खा के भी जाएंगे। और इधर आटा बना रही है, अभी खाते हैं। पहले छान लो, पूरा मेहनत कर लो आप। अकेले जा रहा हूँ, लेके नहीं जा रहा हूँ किसी को। चलने का मन है क्या? जब मेरा बुलावा आएगा तो हम भी चले जाएंगे। सही बात है, देखिए जिसका बुलावा आता है वही जाता है। तो कहाँ जाने वाला हूँ अभी तो किसी को नहीं पता है। हमारे घर वालों को पता है, आप लोगों को फैमिली नहीं पता है। तो पता जुड़े रहेगा ब्लॉग में, आपको खुद ही पता चल जाएगा मैं कहाँ जाने वाला हूँ और किस जगह जाने वाला हूँ। तैयारी हो गई हमारी चलने की और हम निकल रहे हैं घर से बाहर और जा रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कैसे? अच्छा पापा चोट लगा था, सुई लगवाने? मेरा बेटा पप्पी दे दो चाची को। अच्छा मेरा बेटा धस गया? अच्छा ये धस गया आपको? तो गाइस चलते हैं और दिखाते हैं भाभी जी क्या कर रही हैं। और हमारा टिफिन पैक हो गया, पैक हो गया। हाँ जी टिफिन तैयार हो गया है, अंधेरा भी काफ़ी है, देख सकते हैं हमारा लंच बॉक्स रेडी हो चुका है। और हमारी सोना परी को एक पप्पी ले लेते हैं। अरे सॉरी मिजाई है, ले लिए कोई बात नहीं, चलता है। तो मिलते हैं आपसे हम रास्ते में और चलते हैं। अभी हम घर से विदा लेते हैं और घर से बाहर चलते हैं। बाकी रास्ते में जहाँ जहाँ चलने वाले हैं आपको पूरी लोकेशन बताते रहेंगे। जुड़ रहेगा हमें ब्लॉग में ब्लॉग के अंत तक, क्योंकि ब्लॉग में बहुत धमाकेदार होने वाला है और जहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी बहुत इंजॉय होने वाली है और बहुत बढ़िया लोकेशन दिखाएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और चलते हैं। और जाते जाते बप्पा का दर्शन करते जा रहा हूँ, आप लोग को भी करते कराते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रहूँगा नहीं तो बप्पा का विसर्जन भी हो जाएगा हमारे घर से, पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए मैं चल रहा हूँ, आप लोगों से मिलूँगा अपने स्टेशन पे, कहाँ से स्टेशन पकड़ने वाला हूँ, कौन सी ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में और जुड़े रहिएगा। और बप्पा का दर्शन कर लीजिए आप पास से। बोलिए गणपति भगवान की जय। निकल गए हैं रास्ते में, पहुँच चुके हैं। कहाँ पहुँच चुके हैं? गोपीगंज पहुँच चुके हैं। और देखिए भाई लोग हमारे चश्मा खरीद रहे हैं, गुल्लू भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं। आप लोगों को दिखाया हूँ कई बार वीडियो में, और साथ भाई उधर चश्मा लगा के देखिए खड़े हुए हैं। तो हम लोग चश्मे की शॉपिंग करें, चश्मा नहीं था तो हम लोग खुद से चश्मा ले लेते हैं। और कितनी गर्म लग रही है देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही गर्मी लग रही है। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, पहुँचते हैं स्टेशन तो आप लोग को दिखाते हैं कौन से स्टेशन से
हम लोग ट्रेन पकड़ने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं? और देख सकते हैं हम बस से सफ़र कर रहे हैं और निकल गए हैं घर से, निकल मतलब जहाँ हमारी यात्रा हो रही है वहाँ के लिए, और बस से जा रहे हैं और बस आप लोग देख ही रहे हैं। और जब पहुँच पहले बार हालत देखिए कैसी हो गई है, पागलों की तरह हालत हो गई है। अभी सोच सकते हैं रोडवेज बस में बैठना और वैसा कैसा कंडीशन हो जाता है। अभी हमारा खास भाई बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और ये कंडक्टर साहब हमारे हैं, देख सकते हैं आप। हाँ भैया, कहाँ हलवा? हालत बहुत गंभीर बैठा है वो देखता है, हालत गंभीर बा। और हम पहुंच चुके हैं संगम नगरी इलाहाबाद प्रयागराज, और यह है गंगा नदी का ब्रिज। आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा ब्रिज है, और गंगा नदी भी काफ़ी सूख गई है। बरसात जबकि ना ज़्यादा हुआ है, फिर भी गंगा माता भी सूखी हुई हैं। तो गाइस चलते हैं, बढ़ते रहिएगा आप लोग ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग छोटी मजे, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग जरूर इस वीडियो को प्यार देते रहिएगा। अब देख रहे हैं कितनी घास जमी हुई है गंगा नदी में, आप लोग देखिए। पहुँच चुके हैं बस अड्डे के पास, प्रयागराज बस स्टैंड रोडवेज के, और हमारे भाई लोग भी आ गए हैं साथ में। तो चलते हैं, ये सिविल लाइन स्टेशन पेपे पकड़ रहा हूँ, उसको यहाँ पे पेपे बोलते हैं। तो चलते हैं हम लोग। पहुँच चुके हैं ALDA स्टेशन, मतलब प्रयागराज स्टेशन। और हमारे मित्र देखिए पीछे सारे हैं, ये आकाश भाई है, और ये हमारे प्रेम शंकर गुप्ता, और ये गोलू भाई हमारे मतलब शुभम भाई। और हम लोग निकलने वाले हैं कहाँ पे, तो आप लोगों को भी जुड़ो। फाइनली पहुँच चुके हैं स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं, और हमारे पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, और हमारी ट्रेन लग चुकी है सामने घर, आप देख सकते हैं। और ये हमारा ट्रेन है, और बहुत गर्मी पहली चीज़ लग रही है, और आकाश भाई को आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी ट्रेन है प्रयागराज टू अम्बेडकर नगर। तो हम चलने वाले स्टेशन से काफ़ी अंदर एंट्री करते हैं, अपना बैग वगैरह रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं हम, क्योंकि बहुत ही समय हो गया है और बच चुके हैं 3। और ये हमारी गाड़ी है, और जाने वाले आकाश भाई देखिए चश्मा लगा कर रहा है, आप लोग इसे भी मिलिएगा। ये शुभम भाई हैं, पता नहीं कहाँ बिजी है, उसकी बातचीत खत्म ही नहीं होती है। इसको देखिए आप, कितना हैंडसम लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। क्या भाई कैसे हो? पहुँचते ही मुँह धोआ चालू हो गया इनका, जैसे लगता है एकदम बंदर बंद हो गए होंगे। नहीं बंदर नहीं बने हुए थे, बस ये कि फ्रेश होना था इनको, और फ्रेश हो रहे हैं, हम लोग भी फ्रेश हुए हैं, हम अपना शुरू नहीं कर पाए। और इस भाई को हम दिखा देते, देखिए कैसे मुँह धो रहा है। तो गाइस देख रहे हैं कि कितनी हरियाली छाई है मौसम, और खेत और गांव दिख रहा है आप लोगों को, और पहाड़ों का क्षेत्र में मैं घुस चुका हूं, और कहां जाने वाला हूं आप लोगों को पता ही चलने वाला है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन आने वाला है। प्लीज़ गाइस आप लोग वीडियो को इतना प्यार देते रहेगा, मिलते हैं आपसे, और आप जुड़े रहेगा इस ब्लॉग में, और आप लोग इतना प्यार देते इस वीडियो को कि हमारा वीडियो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत अच्छा हो जाए। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम ट्रेन में पहुंचा तो हमारे कुछ फैमिली हमसे मिल चुकी है, देख सकते हैं भाई साहब ये हैं। क्या नाम आपका? रतिक मिश्रा। इनका नाम रतिक मिश्रा है, कि दोस्त भी इधर है, गेट पे खड़े हुए हैं। तो भाई आप कब से मुझे फॉलो किए हो, कब से मुझे मुझे देखते हो आप? बॉम्बे बन रहे मिले हैं, आगे देखे हो आपको? अच्छा जी देखे हो आप, आगे देखे बहुत सारा मिला आपसे, बहुत मुलाकात हुई, बहुत थैंक यू सो मच भाई आपको। तो गाइस देखिए ऐसे ऐसे फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम निकलने वाले हैं यात्रा पे, और निकल चुके हैं, और भाई भी मिल चुके हैं ट्रेन हमारे साथ, भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देख सकते हैं महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग, आकाश भाई है। मैं ट्रेन में पहुंचा तो हमारे कुछ फैमिली हमसे मिल चुकी है, देख सकते हैं भाई साहब ये हैं। क्या नाम आपका? रतिक मिश्रा। इनका नाम रतिक मिश्रा है, कि दोस्त भी इधर है, गेट पे खड़े हुए हैं। तो भाई आप कब से मुझे फॉलो किए हो, कब से मुझे मुझे देखते हो आप? बॉम्बे बन रहे मिले हैं, आगे देखे हो आपको? अच्छा जी देखे हो आप, आगे देखे बहुत सारा मिला आपसे, बहुत मुलाकात हुई, बहुत थैंक यू सो मच भाई आपको। तो गाइस देखिए ऐसे ऐसे फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई है, और हम निकलने वाले हैं यात्रा पे, और निकल चुके हैं, और भाई भी मिल चुके हैं ट्रेन हमारे साथ। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते रहेंगे कौन कौन मिलने वाला है, कौन कौन नहीं मिलने वाला है, और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और हम अपना वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए महाकाल, जय महाकाल, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच फैमिली। तो गाइस हम निकल चुके हैं यात्रा पे, आप लोगों को पता ही हो चुका है, और इधर हमारा आकाश भाई देखिए बैठा हुआ है खिड़की के पास, और
आप लोग बहुत प्यार दिए हो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो पिछला वीडियो था, तो इस वीडियो को भी इतना प्यार देता रहेगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कल हम पहुंच जाएंगे जहां वहां का भी लोकेशन आप लोग को दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अच्छी वीडियो बना के लेकर सामने आएंगे। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फैमिली।